हेलो फ्रेंड्स, फाइनली रियल मी की ओर से आपसे लिए नवंबर मंथ में रियल मी वाई 4.0 और एंड्राइड 13 का ईयरली एक्सचेंज ओपन बीटा का फॉर्म ओपन कर दिया गया है। जैसे यदि आपके पास रियल मी 9i 5G के डिवाइस है और रियल मी नार्जो 50 Pro 5G और रियल मी नार्जो 55G की डिवाइस है, तीन डिवाइसों के लिए रियल मी वाई 3.0 के बाद रियल मी वाई 4.0 और एंड्राइड 13 का ईयरली एक्सचेंज का बीटा प्रोग्राम अवेलेबल हो चुका है। चलिए देखते हैं कि आप सबसे पहले अपने डिवाइस में रियल मी वाई 4.0 और एंड्राइड 13 अपडेट कैसे कर सकते हैं और जिनको अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है वो कैसे अपने डिवाइस में सबसे पहले अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यदि आपके पास रियल मी की 9 सीरीज या 50 सीरीज की डिवाइस है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको इन डिवाइसों में आपको रियल मी वाई 4.0 का ईयरली एक्सचेंज का ओपन बीटा का अपडेट आ चुका है। तो चलिए देखते कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और एंड्राइड 13 का अपडेट सबसे पहले अपने डिवाइस में कैसे कर पाएंगे। यदि आपके पास रियलमी की कोई भी डिवाइस हो, जिन डिवाइसों का मैंने नेम बताया है उन डिवाइसों में से कोई भी डिवाइस है, तो उसके मेन सेटिंग में आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। मेन सेटिंग में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि अबाउट डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके सेटिंग के अंदर अबाउट डिवाइस के ऑप्शन पे जाइएगा, अलग अलग डिवाइसों में अलग अलग एंड्राइड यूआई 3.0 का वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड्राइड वर्जन देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि यदि आपके पास रियलमी 9i की डिवाइस है 5G की, तो इसमें आपको 8.14 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको साइड कॉर्नर में एक सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा। जैसे ही एंड्राइड वाले सॉफ्टवेयर सेक्शन में आप ओपन करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग के आइकन जो दिखने को मिलेगा आपके डिवाइस में, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। सेटिंग के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में ट्रायल वर्जन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ट्रायल वर्जन के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ट्रायल वर्जन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो ट्रायल वर्जन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में आपको रियलमी वाई 4.0 और एंड्राइड 13 का बीटा प्रोग्राम ईयरली एक्सचेंज का ओपन बीटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओपन बीटा के ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। ओपन बीटा के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में इस प्रकार का एक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई भी एक आपको फिल करना होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर या आपको जीमेल आईडी है तो उसको इसमें फिल कर लीजिएगा। जैसे ही फिल करेंगे इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको आई हैव एग्री का ऑप्शन एक देखने को मिलेगा। इस बॉक्स पे आप सिंपली टिक कीजिएगा। जैसे ही आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपके डिवाइस में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबमिट के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डन का ऑप्शन आ जाएगा। डन होने के बाद आपके डिवाइस में रियलमी यूआई 4.0 और एंड्राइड 13 का अपडेट 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन बाद देखने को आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे ही अपडेट आपको रिसीव हो जाएगा आप अपडेट कर सकते हैं आसानी से। तो इस ट्रिक से आप अपने डिवाइस में सबसे पहले रियलमी यूआई 4.0 और एंड्राइड 13 का अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके डिवाइस में अभी भी अपडेट और ओपन बीटा का फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिएगा। और आप अपने रियलमी अकाउंट यदि अपने डिवाइस में नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले रियलमी अकाउंट ज़रूर बना लीजिएगा और उसके बाद जाके अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट यदि कर चुके होंगे तो आपको 100% रियलमी यूआई 4.0 और एंड्राइड 13 का अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके डिवाइस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।